और भाई क्या हाल है। तो भाई आपको बता दूं, आज का जो अटैक है वो बहुत अलग होने वाला है। और उससे पहले आपको बता दूं, तीन चार कुछ न्यू इवेंट आया हमारे गेम में, तो ये आप लोग देख सकते हो। कुछ खास रिवॉर्ड नहीं है भाई, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस बार का इवेंट का रिवॉर्ड कैसा लगा। तो भाई आपको बता दूँ कि हमारे चैनल में एक गिवअवे चल रहा है, और जिसको नहीं पता है उसको बताता हूँ। पम्पकिन ग्रेवर सीनरी का एक गिवअवे चल रहा है। अगर आप लोग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप लोग वहां जाके पार्टिसिपेट कर लेना। और ये जो रॉयल गोस्ट का इवेंट है भाई, इसको एंड होने में बस तीन चार दिन बचा है। अगर आप लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाएं तो अभी आप लोग उठा लो। सिंगल प्लेयर में अगर आप लोगों का कोई भी बेस 3 स्टार नहीं हुआ है तो आप लोग इस आर्मी से आराम से 3 स्टार ले लेंगे, क्योंकि ये जो ट्रूप्स है भाई ये परमानेंट नहीं रहेगा। आप लोगों को ही पता है हर 1 या 2 साल में ये ट्रूप्स आता है। तो भाई आया है तो आप लोग अटैक स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि भाई ये जो आर्मी है वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है। तो अभी मैं आपको अटैक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इस आर्मी से आप कोई भी बेस को आराम से 3 स्टार निकाल पाएंगे सिंगल प्लेयर में। तो चलो फिर अटैक देखते हैं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलो फिर अटैक देखते हैं। तो ये रहा भाई वो बेस, ये लास्ट लेवल है भाई, आप लोग देख सकते हो। और कॉर्नर की तरफ आप लोगों को एक एक रॉयल गोस्ट ड्रॉप करना है, जिसकी मदद से भाई एक एक जो जैंट बॉम है कॉर्नर की तरफ वो आपको ट्रिगर हो पाए। तो चलो फिर अटैक स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी भाई बिल्डिंग्स दिख रहा है ना आपको, उसको आपको रॉयल गोस्ट से डिस्ट्रॉय करना है, ठीक इस तरह जैसा मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, सेम आपको भी ऐसा करना है। और ध्यान रखिए आपका जो जायंट ड्रैगन है उसको आप लोग एक्टिवेट मत करना अभी, जब तक कि नीचे का बेस क्लियर ना हो जाए। ये बेस नीचे का क्लियर हो गया है, अब हम ऊपर की तरफ से अटैक करेंगे जो हमारा मल्टीपल इंफर्नो है और एलेक्जर स्टोरेज। तो ये आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्केलेटन निकल चुका है, इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस साइड साइड में आपका जो रॉयल गोस्ट है उसको एक ही ड्रॉप कर देना है। अब देख सकते हो भाई आप लोग जायंट ड्रैगन निकल चुका है। अब आपको क्या लगता है भाई कि ये बेस 3 स्टार हो पाएगा, कमेंट करके बताऊँ। तो भाई एक ही बिल्डिंग बचा है, देखते हैं कितना देरी में 3 स्टार होता है। तो ये आप लोग देख सकते हो भाई हेल्थ बहुत कमी हो गया है इसका, 40% हेल्थ है। तो अब मैं क्या करूँगा देखना भाई आप लोग। हमारा जो आर्चर क्वीन है अभी हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, देखते हैं कितना देरी में लेता है ये। एबिलिटी यूज़ कर दिए तो परफेक्ट भाई, ये भी 3 स्टार हो गया है, बहुत इजी बेसिस भाई अगर आपको इसमें रॉयल गोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो। तो चलो फिर मैं आपको और एक अटैक दिखाता हूँ, ये लास्ट सेकंड बेस है। तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भाई थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगा इस बेस को 3 स्टार लेने में, आपको इसमें बैट स्पेल्स भी यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है, इसमें भी सेम करना है, एक एक रॉयल गोस्ट आप लोगों को हर साइड ड्रॉप करना है। इससे क्या होगा, जितना भी आपका हैवी डिफेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आराम से ये बेस भी आपका 3 स्टार हो जाएगा। और आपको बता दो भाई अगर आप लोग लेजेंड लीग में हैं TH 14 या 13, तो भाई आप लोग इस आर्मी को एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा खासा प्लस होता है भाई लेजेंड लीग में। और TH 14 रॉयल गोस्ट स्ट्रेटेजी की स्ट्रैटेजी आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग चेक कर लेना। तो अभी बात करते हैं भाई अटैक के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो बस हमारा 4 ईगल आर्टिलरी बचा हुआ है, वो भी एक्टिवेट हो चुका है। तो हमको क्या करना है, जो किनारे किनारे का जो डिफेंस बचा है एक्सबो और इन्फर्नो, उसको हम लोग ले लेना है उसको रॉयल गोस्ट की मदद से। अब आप लोग देखना कि हम किस तरह से बैट स्पेल का यूज़ करते हैं। तो आपको क्या लगता है भाई कि ये बेस 3 स्टार हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। तो चलो अब देखते हैं क्या होगा। और बचा जो 3 रॉयल गोस्ट है उससे आपको 1 ईगल आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय कर देना है। तो यहाँ पर भाई जैसे ही 1 ईगल आर्टिलरी डिस्ट्रॉय होता है तो आपको करना क्या है, 1 फ्रीज स्पेल डाल देना है आपको। देख लो भाई आप मैं यूज़ कैसे कर रहा हूँ, 1 फ्रीज स्पेल, और बाकी जो जितना बैट स्पेल है आपका पूरा आप लोग ड्रॉप कर देना, क्योंकि अभी आप अगर हीरो ड्रॉप कर देते हैं तो आपका जो हीरो है वो स्केलेटन स्पेल्स में बिजी हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हो 97% 99, तो ये भाई परफेक्ट 3 स्टार हो गया है। तो आप लोगों को ये अटैक स्ट्रैटेजी कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।